नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती को लेकर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कब तक रिक्रूटमेंट आएगा। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके रिक्रूटमेंट को लेकर यहां पर आपकी जो रिक्रूटमेंट की जो संख्या है, पदों की जो संख्या है, उसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो चुनावी अब माहौल बन रहा है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट है वो जरूर आएगा और वो भी 26,000 से ज़्यादा पदों का होगा। लेकिन क्या इसी साल ये रिक्रूटमेंट हो पाएगा? क्या इस बार इस साल में अगर रिक्रूटमेंट होता है तो बच्चों को आयु में भी छूट मिलने का चांसेस बन जाएगा? अगर अगले साल रिक्रूटमेंट होता है तो क्या आयु में छूट मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस कॉन्स्टेबल के रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों उनका रिक्रूटमेंट नहीं आने के कारण उनकी आयु भी निकलती जा रही है और ऐसे में वो ओवरेज हो जाते हैं। तो काफ़ी विडंबना की बात है क्योंकि अब चुनावी माहौल भी उत्तर प्रदेश में बन रहा है, क्योंकि हाल ही दो चुनावी सभाओं में योगी आदित्यनाथ जी ने भी उत्तर प्रदेश को पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट का जिक्र किया है कि उत्तर प्रदेश जो आपका पुलिस कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट है उसका प्रोसेस बहुत जल्द करवाया जाएगा। और बिल्कुल दोस्तों आपका रिक्रूटमेंट बहुत जल्द होगा, लेकिन लंबा समय से ये आपका रिक्रूटमेंट आ रहा है तो इसके साथ ही वैकेंसी को लेकर भी काफी ज्यादा डाउट्स बने हुए हैं कि सर क्या 26,000 ही पदों की रिक्रूटमेंट आएगी या इसमें पद बढ़ने के चांसेस भी है। तो दोस्तों को लेकर मैं पूरी जानकारी आपको डिटेल से बता देता हूं। वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण साबित रहने वाला, वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा, तभी जाके आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आने वाली है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, जैसा कि दोस्तों आपने बहुत समय पहले ही सुना था कि उत्तर प्रदेश कांस्टेबल यूपी पुलिस कांस्टेबल का 50,000 पदों का रिक्रूटमेंट आ रहा है, लेकिन 50,000 पद है वो खाली बताए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक आज तक ऐसा तो हुआ नहीं कि जितने पद आपके खाली है उतना रिक्रूटमेंट निकाल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों आपका जो रिक्रूटमेंट है उसमें 26,000 प्लस का ये रिक्रूटमेंट आएगा। 50,000 पद खाली है लेकिन पूरे 50,000 का रिक्रूटमेंट एक साथ नहीं निकाला जाएगा। लेकिन अब चुनाव के कारण आप सभी के लिए अच्छी बात है कि आपके रिक्रूटमेंट है वो जल्द ही शुरू होने वाला है। और खास बात यह है कि दोस्तों अगर इसी साल 2021 में आप सभी के लिए रिक्रूटमेंट के ऑनलाइन फॉर्म शुरू होते हैं तो इससे आपको फायदा होगा। फायदा कैसे होगा दोस्तों मैं बता देता हूं, उन अभ्यर्थियों को ज्यादा फायदा होगा जो कि ओवरेज होने वाले। कैसे होगा तो मैं बता देता हूं, क्योंकि ज्यादातर जो रिक्रूटमेंट होते हैं उनमें जो आपकी एज की गणना होती है दोस्तों वो 1 जुलाई से काउंट की जाती है, 1 जुलाई से काउंट की जाती है। अगर आपका रिक्रूटमेंट है उसका ऑनलाइन प्रोसेस या एडवर्टाइजमेंट है वो 2021 में आता है, नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट में आता है, तो दोस्तों आपकी जो गणना होगी एज की वो 1 जुलाई से की जाएगी। इससे काफी ज्यादा कैंडिडेट जो ओवरेज होने वाले हैं उनको भी मौका मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी वैकेंसी 2022 में आती है तो इससे काफी ज्यादा कैंडिडेटों को लॉस भी हो सकता है। लेकिन अगर सरकार आयु में छूट अलग से देना चाहती है तो ही आपको 2022 में आने वाली वैकेंसी का फायदा मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आपके रिक्रूटमेंट को लेकर अगर हम बात करें, आखिर 26,000 पदों की मंजूरी तो मिल चुकी है लेकिन ऑनलाइन कब तक होगा? तो दोस्तों अभी तक कोई कंफर्म डेट आपकी नहीं आई है, लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें तो हाल ही में आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की बहुत सारी रैलियों में योगी आदित्यनाथ जी ने यही कहा था कि उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत ही जल्द करवाया जाएगा और वो भी 26,000 से ज़्यादा पदों पर। अब ये पद आपके कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी यह बताया जा रहा है कि 26,000 से ज़्यादा, तो ये तो कंफर्म है कि 26,000 तो कम से कम आपकी वैकेंसी रहने ही वाली है। लेकिन दोस्तों ये बढ़ के आपकी वैकेंसी है 50,000 तक भी जा सकती है, क्योंकि दोस्तों पहले कुछ समय पहले आपने देखा होगा विधानसभा में भी यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर बताया था कि 50,000 के लगभग वैकेंसी खाली है, लेकिन 26,000 वैकेंसी का जिक्र किया जा रहा है। और चुनावी माहौल को देखते हुए इसी वर्ष दोस्तों 2021 में ही आपके ऑनलाइन फॉर्म होने के चांसेस है। तो दोस्तों ये थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही पूरी जानकारी आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां जाके आप पूरी अपडेट भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।